ओ हेलो गाइस, तो आपको मैंने थ्योरी तो दे दी और वीडियो एंड कर दी, पर मैंने सोचा प्रैक्टिकल भी आपको दिखाई देते हैं। तो ये देखो, मैंने वो गन कैरी की हुई है और मेरे दोनों हाथ फ्री हैं, एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ मेरा ऐसे फ्री है, फिर भी मैं कैरी कर सकता हूँ। तो आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो ये देखिए गाइस, देखो ये देखो, गन साइड पर कैरी है आराम से, और ये साइड पर मैंने ऐसे कैरी की हुई है, गन आराम से बिल्कुल नीचे कैरी हो रही है आराम से। अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो ऐसे यूज़ कर सकता हूँ ऐसे, और फिर जब छोड़ूंगा ये फिर अपनी पोजीशन में चली जाएगी। ये देखो बहुत आराम से है। और अपनी हाइट के हिसाब से इसको सेट कीजिए कि ज़मीन पे टच ना हो। देखो मेरी हाइट जितनी है उस हिसाब से ज़मीन पे टच नहीं हो रही, ठीक है। आपने ऐसे बनानी है, और ये चीज़ आप उतार भी सकते हो, पर मैंने तो लगा के रखी है जिससे अगर कभी शोल्डर पे कैरी करनी हो तो शोल्डर पे भी कर पाएं। पर ये पोजीशन तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है गाइस, एंड जब शूट करनी चाहे तो शूट भी कर सकते हो, अगर आगे की तरफ रखना चाहे तो ऐसे आगे की तरफ भी रख सकते हैं। ये पोजीशन बहुत अच्छी है, एंड यहाँ पे ऐसे लटकी रहती है, इधर भी आप एक हाथ रख सकते हैं, एंड दूसरे एक हाथ तो वैसे ही फ्री है, एंड इलास्टिक है ना, तो इसलिए स्टिचिंग भी मैंने अच्छे से कर दी थी। इलास्टिक है इसलिए स्ट्रेच होता है, इसलिए टूटने का कोई डर नहीं है, एंड जब उतारूंगा तो फिर छोटा हो जाता है इलास्टिक, एंड मतलब कोई भी टेंशन नहीं है मेरी बॉडी पे, आराम से इलास्टिक है इसलिए आराम से कैरी हो जाती है, और देखो साइड पे कैरी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखो, ये देखो सही है ना गाइस। तो ये कैमरा एंगल आपको ऐसे लग रहा होगा, पर बहुत आराम से इसको कैरी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। थैंक्स वॉचिंग गाइस, बाय।